हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गाइस लिसन, हम लोग ना अभी नाच गाना बंद करते हैं, कोई अच्छा सा गेम खेलते हैं, गोफिश खेलते हैं। अरे ये क्या बच्चों वाला गेम बता रही हो, कोई अच्छा सा गेम बताओ ना यार। हेलो, ये कोई बच्चों बच्चों का गेम नहीं है, बड़े बड़े लोग भी ये गेम खेलते हैं। बस एक बार खेल कर तो देखो, फिर देखो कितना मजा आता है। मगर ये मछली गेम है क्या? क्या बच्चों की तरह दांत दिखा रहे हो? मैं बताती हूँ कि ये गेम क्या है। इस गेम में ना सभी लोग एक एक चिट लेंगे और कौन किसके बारे में क्या सोचता है वो उस पर लिखना है। और हाँ, उस चिट पर अपना नाम नहीं लिखना, बस। मतलब बिंदास भड़ास निकालने का अच्छा खेल है। मजा आएगा यार। मैं तैयार हूँ। मैं भी। वाओ सैम, तू किसके खिलाफ अपनी भड़ास निकालेगा? हाँ वो तो मैं पेपर में लिखूंगा, तुम बोल ले क्या हो? हम गेम शुरू करते हैं। आकाश, मुंह खोलने से पहले सोच लिया कर। मेरा मुंह, मैं कुछ भी बोलूं? ओके। मीता, ग्रो अप। ये जिसने भी लिखा है ना, उसे अपने बारे में खुद सोचना चाहिए। अरे मीता, नाराज होना बंद करो यार, ये गेम है। ईशा, दूसरी चिट उठाओ। क्या हुआ? इसमें लिखा है एम, यू विल डाई टुनाइट। ये कैसा मजाक है? एम फॉर मीता, आज रात तुम्हारी छुट्टी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। अरे मेरा नाम मीता एम से ही है। और मेरा भी यार। मीता, तू ना पक्की ड्रामेबाज है, सच। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। कौन मुझे मारना चाहता है? मीता समझा कर यार, कौन मारना चाहता है? नहीं, नहीं। मीता, अरे मीता, बेचारी कमरे में लेटा देते हैं, डर के मारे बेहोश हो गई है। यार ये अचानक से कैसे बेहोश हो गई? अरे कुछ नहीं यार, कुछ लोगों का दिल बहुत कमजोर होता है, बस मौत की धमकी सुनकर बेहोश हो गई। इतना कमजोर दिल है इसका, धमकी सुनते ही गिर गई। अब रहने दो, लेटी रहो, आराम करो। चलो चलो, सब लोग बाहर चलो, मीता को आराम करने दो। मीता तुम डरना नहीं है, हम है ना, ये तो सब मजाक चल रहा था। बातें तो ऐसे कर रही थी जैसे 30 मार खाओ, जरा सी एक चिट देख के डर गई। यार एंजॉय करने का पूरा मूड ही चला गया, पता है ऐसे लोगों को साथ में लाना ही नहीं चाहिए। नौटंकी। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इसे अपने साथ मत लेकर चलो, बहुत बड़ी ड्रामेबाज लड़की है। आ गई है, भगा तो नहीं सकते ना। अरे छोड़ो यार, उसे सोने दो। अच्छा हम अपनी पार्टी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छी सी गेम है क्या? हाँ, है ना। ये किसकी चीख थी? वही होगी ड्रामेबाज मीता डराने के लिए चल रही होगी। नहीं यार, ये चीख डराने के लिए नहीं थी, जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो, चलो यार। मीता, तुम चिल्लाई क्या? नहीं, मैंने चिल्लाई। फिर कौन चिल्लाया? आवाज तो यहीं से आई थी। गाइस, मोनिका, मोनिका कहाँ है? मोनिका, 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 मोनिका।
अब इसे क्या हो गया? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रही है? ये नाटक बंद कर, तूने सारा मजा खराब कर दिया। जरा सा मजाक क्या करते तू? तू बेहोश हो गई? चुप हो जाओ, पहले ये सोचो कि मोनिका को कुछ होना नहीं चाहिए। एक काम करो, तुम लोग बालकनी की खिड़की को तोड़ दो। चल 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 आकाश, चल मोनिका। गोली के घाव को छोड़ के शरीर पे कहीं भी खरोच का निशान नहीं है। ना कोई हाथापाई के निशान, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है इस कमरे में भी। लगता है खूनी ने इसे मौका ही नहीं दिया, देखती गोली चला दी, सीधे सिर में गोली मारी। पलटा जरा इसे। गोली पीछे से बाहर निकली नहीं, एग्जिट वुंड ही नहीं है। गोली अभी भी सिर के अंदर ही है। सर गोली तो सामने से ही मारी है, मगर गोली चलाई कहां से? वही तो, ये गोली चली तो चली कहां से? सारी खिड़कियां तो बंद थी, ये दरवाजा भी बंद था। हाँ सर, मोनिका के दोस्त कह रहे थे कि वो लोग वो वाली खिड़की का कांच तोड़कर अंदर घुसे। सर इसका मतलब खूनी पहले से ही अंदर बैठा होगा। हाँ हो सकता है, लेकिन गायब कहां से हो गया? हवा में तो गायब नहीं हुआ वो। विक, काम करते, देखो दरवाजा बाहर से खुलता है क्या। आ जाओ। हाँ नहीं सर, जाओ, दरवाजा नहीं खुल रहा है। नहीं खुल रहा है? नहीं सर। आ जाओ। अब बंद कमरे में गोली चली कहां से? और फिर वो गन कहां थी? इस घर का कमरा कमरा चेक करो, एक एक कोना छान मारो, कहीं ना कहीं तो वो गन मिलने ही चाहिए। सर ये तो एक ही बात को पकड़ के बैठ गए, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। मेरा तो दिमाग घूम गया। सर जब हमने कुछ देखा ही नहीं है तो नहीं देखा है, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? तुम्हारे साथ की लड़की पे किसी ने गोली चला दी, और तुम में से किसी ने भी गोली चलाने वाले को नहीं देखा? झूठ झूठ बोल रहे तुम सब, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर ये झूठ नहीं है सर, हम लोग तो गेम खेल रहे थे सर, अचानक मीता बेहोश हो गई तो हम इसे लेटाने के लिए ऊपर के कमरे में लेकर गए सर। ऊपर से हॉल में आई थी कि मोनिका की चीख सुनी। फिर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, बहुत कोशिश करने के बाद बालकनी की खिड़की का कांच तोड़ा, अंदर देखा तो मोनिका की लाश पड़ी थी सर। ये मीता बेहोश कैसे हो गई? वो हम लोग गोफिश गेम खेल रहे थे, और जिसमें कौन किसके बारे में क्या सोचता है वो एक चिट पर लिखकर फिश बॉल में डालना होता है। लेकिन उस दिन यूं ही मजाक करने के लिए किसी ने एक चिट पर लिख दिया कि एम यू विल डाई टुनाइट, और मीता वो धमकी सुनकर बेहोश हो गई। एम फॉर मोनिका। सर एम से मेरा नाम भी तो है मनोज, और इसका नाम मीता है सर। मतलब खूनी मोनिका को ही मारना चाहता था। तुम लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं सर। ये दिमाग खराब कर देने वाली बात है, गोली चली मगर आवाज किसी ने नहीं सुनी। ये सब एक प्लानिंग थी, जैसे ये लोग मीता को कमरे में लेटा के हॉल में आए, खूनी ने गन पे साइलेंसर लगाकर मोनिका का खून कर दिया। हाँ सर, बाहर से तो कोई आया नहीं, मीता ने ही खून किया है, यही उस वक्त अकेली थी बगल वाले कमरे में। मैं खून कैसे कर सकती हूँ, मैं तो उस समय सो रही थी,
मोनिका का खून करने के लिए तुमने बेहोशी का नाटक किया था, है ना? नहीं सर, ये झूठ है। मैं वाकई में डर गई थी। अच्छा, रेडी, इन सब के फोटोग्राफ्स और उंगलियों के निशान ले दो। तब तक मैं मोनिका के परिवार वालों को फोन करता हूँ। गन मिल गई। वेरी गुड। बारूद की गंध है, मतलब गोली फायर हुई है इस गन से। सर, मैगजीन में एक गोली कम है, मतलब मोनिका का खून इसी गन से हुआ है। है किसकी ये गन? कौन है ये खूनी? सर, इनसे तो कुछ पता लगने वाला है नहीं, बट ऑब्वियस है अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर खूनी इनमें से कोई है भी, वे कहेंगे कैसे कि मालूम है खून किसने किया है? हाँ, और वैसे भी आज तक किसी ने कबूल किया है? अगर कबूल करते तो हमारा काम आसान नहीं हो जाएगा क्या? है ना, पता चल जाएगा कौन अनजान है, कौन शैतान है, समझे विवेक? ये बैग आप में से किसका है? किसका है? जल्दी बताओगे तो पेट में दर्द कम होगा। ये बैग मीता का है। मीता, क्या किया है? कुछ नहीं। खून किया है? सर, बैग मेरा है, इसका मतलब ये नहीं कि खून मैंने किया है। अच्छा, तो फिर ये गन तुम्हारी बैग में थी, इसी गन से खून हुआ है। सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर, ये गन मैंने पहले कभी नहीं देखी। हर गुनहगार पकड़े जाने के बाद यही बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो गन भी नहीं देखी। सर, मैंने मोनिका का खून नहीं किया है। तो फिर तुम ही बताओ, ये गन तुम्हारे बैग में कहाँ से आई? मुझे नहीं पता। मुझे पता है कहाँ से आई। ये गन फार्म हाउस के मेन गेट से अंदर आई और चलते चलते कमरे तक पहुंच गई। वहां पर उसने मीता का बैग ढूंढा और उसके अंदर जाके घुस गई। हाँ प्रेडी, लगता है बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मीता, ऐसा ही हुआ ना? क्यों? मैंने मोनिका का खून नहीं किया है। जब उसका खून हुआ, उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम सब लोग उस वक्त कहाँ थे? सर, हम लोग एक साथ ही थे। मीता को जब दूसरे कमरे में लिटा कर आए तो हॉल में हमने एक चीख सुनी। सब के सब झूठ बोल रहे हो। मीता कमरे में थी, तुम सब लोग बाहर हॉल में थे। बाहर से कोई अंदर नहीं आया, अंदर से कोई बाहर नहीं गया। तो फिर मोनिका का खून किया किसने? विवेक सर, वो फिश बॉल लेकर आओ जिसमें इन लोगों ने चिट्ठियां लिख कर रखी थी। यस सर। अब एक बात ध्यान से सुन लो, इंस्पेक्टर दया आपके सामने वो सारी चिट्ठियां पढ़ेंगे, तुम्हें बताने कि वो चिट्ठी किसने लिखी है, समझे? जी सर। मीता, you have a bad breath. किसने लिखा है? सर, मैंने लिखा। अमित, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मोनिका, you rock. किसका ये? सर, ये मैंने लिखा। अमित, you are a true friend. ये मैंने लिखा था सर। मनोज, यू थिंक यू आर अ हीरो बट यू आर अ जीरो। सर, मैंने लिखा था। अरे, सबसे बड़ा जीरो तो तू है आकाश। ए, इस सास बहू के झगड़े बंद करो।
ये बताओ, ये धमकी भरी चिट्ठी किसने लिखी? किसने लिखी चिट्ठी? ठीक है, दया इन सब से अलग अलग पेपर पर वो धमकी भरा मैसेज लिखवा लो और फिर इनकी लिखावट उस चिट्ठी में जो मैसेज लिखा है उससे मैच करके देखो। पता चल जाएगा खून किसने किया है। तब तक हम वो कमरा चेक करते हैं, वो कमरा जो चारों तरफ से बंद था फिर भी खूनी ने गोली चलाई। कैसे, कहां से? सर कुछ वर्ड तो मैच कर रहे हैं बट आई एम नॉट श्योर। किसका ये? आकाश। आकाश इधर आओ, जल्दी आओ यहां। जाओ। फिर से लिखो। जाके वहीं खड़े हो जा। नहीं सर, इनमें से किसी की लिखावट नहीं। क्या ऐसे ही मत बोल दो, खून का मामला ही है। सर मैंने दो दो बार चेक किया है, इनमें से किसी की लिखावट है ही नहीं। सर अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं निर्दोष हूं। जब तक असली खूनी पकड़ा नहीं जाता तुम में से कोई भी निर्दोष नहीं है, समझे? सर आप लोगों को हम पे ही शक क्यों हो रहा है? तुम्हारे अलावा और कौन आएगा यहाँ पे खून करने के लिए? तुम ही लोग थे ना यहाँ पे? बाहर जाके देखो। सर हमें घर जाने दीजिए। सर घर जाने, इतनी जल्दी छोड़ा नहीं जा सकता। तुम लोग चुपचाप यहीं पे खड़े रहो, समझे? सर क्या? सर जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है। क्यों, क्या हुआ? इन बच्चों के पेरेंट्स आ गए सर, विवेक ने उन्हें रोक के रखा है मगर मोनिका के पिताजी घर के अंदर घुस गए। कोई बात नहीं, ऐसी बिजाब है ना, संभाल लेंगे। तुम लोग यहीं पे खड़े रहो, हिलना नहीं आते, समझे? बच्चों के साथ गुनहगारों का जैसा बर्ताव कर रहे हैं आप, ऐसे ही गुनहगार पैदा हो जाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं ना आप लोग? कुछ कुछ जानते हैं। अगर कुछ कुछ जानते हैं तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि उनके दिल में अगर कोई भी डर कोई भी धक्का बैठ गया ना तो परिणाम उल्टे हो सकते हैं। बिल्कुल, हमें और हमारे बच्चों को परेशान करना सीआईडी का काम नहीं है, हमारी रक्षा करना आप लोगों की ड्यूटी है। किसी की बेटी की जान चली गई है और हम लोग खूनी के बारे में पता लगाने में लगे हुए हैं। क्या उन बच्चों में कोई खूनी भी है? हाँ, खूनी को ढूंढना तो पड़ेगा ही ना, और जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती तब तक आप सबके बच्चे यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप हमारे बच्चों को फंसाने पर अड़े हुए हो तो हम भी उन्हें यहाँ से लिए बगैर नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे। चुप रहिए। अगर आप लोग हमारी मदद करने की बात करते तो हम लोग समझ सकते थे। मैं बिल्कुल ये बात भूल नहीं सकता कि यहाँ पर किसी ने बेदर्दी से एक लड़की का खून कर दिया। अब आप लोग घर जाइए, प्लीज प्लीज जाइए। देखिए अगर आपके बच्चों ने गुनाह नहीं किया तो सब बच्चे अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। कितने लाड प्यार से पाला था मैंने अपनी बेटी को पर मुझे वो छोड़ के चली गई बिना मुझसे मिले।
राकेश जी, मैं आपसे वादा करता हूं, हम खूनी को पकड़ कर ही रहेंगे, सजा दिलाएंगे उसे। देखिए, उसे फांसी होगी। हाँ सर, फांसी देना उसे। मेरे दिल को ठंडक तभी पहुंचेगी जब वो तड़प तड़प के मरेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है ये? दुश्मनी? मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। देखिए, वो वाली दुश्मनी नहीं, आमने सामने वाली। हो सकता है कभी किसी को अनजाने में चोट पहुंचाई हो। चोट? जी नहीं, कभी नहीं। अच्छा राकेश जी, मोनिका ने कभी कुछ कहा था? बोली नहीं वो कभी कुछ? कुछ दिनों से उसके पास एक फोन आया करता था। वो फोन रिसीव करती तो उदास हो जाया करती थी। मुझे लगता है जैसे कोई उसको धमका रहा है। किसका फोन था? आपने पूछा नहीं उससे? बस यही गलती हो गई मुझसे सर। अगर मैंने इस बात को गौर कर लिया होता कि किसका फोन आता था उसके पास, मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता, मेरी बेटी जिंदा होती सकती। पूर्वी, काम करो, फ्रेडी से कहो जो पता लगाए फोन कॉल कहां से आता था। अगर ये पता चल जाए कि गोली कहां से चली है तो खूनी के भागने का रास्ता भी मिल जाए। बस तुम्हारे पास गन है ना? हाँ है, क्यों नहीं? जिस तरीके से लड़की यहाँ पर गिरी हुई है, इतनी आसानी से नहीं पता लग सकता कि ये दरअसल गोली चली किधर से। हमें कुछ करके देखना पड़ेगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। सलोंखे, जिस तरह से लड़की गिरी है यहाँ पर, उससे लगता है कि उसे गोली सामने से मारी है, यहाँ से ऐसे। सर, पीछे की तरफ दीवार है और दीवार में कहीं भी छेद नहीं। वही तो, ना कोई छेद है ना कुछ और। तो फिर बता सड़ूंखे, खूनी इस कमरे में से गायब हुआ तो हुआ कैसे? हमने ये पूरा कमरा चेक किया है, यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी स्प्रिंग हो सके। सर, कहीं ये गन का तो नहीं है? नहीं वेक, किसी भी गन में ऐसी स्प्रिंग नहीं होगी, किसी भी गन में। और ये स्प्रिंग जिस किसी चीज की भी है, लेकिन इस स्प्रिंग पर गन पाउडर लगा हुआ है। क्या? हाँ सड़ूंखे, गन पाउडर का स्मेल है, तो स्प्रिंग पर गन पाउडर आया कहां से?
किसी के भी हाथ में गन पाउडर नहीं मिला। ठीक है डॉक्टर तारिका, थैंक यू। वेलकम। इनमें से किसी ने गन नहीं चलाई है तो फिर यहाँ हुआ क्या है? किसने किया ये सर? सर मोनिका को कहाँ कहाँ से फोन है उसकी लिस्ट लेके आया हूँ सर। मोनिका ने किस किस को फोन किए हैं उसकी लिस्ट है ना इसमें? हाँ सर है ना। फ्रेडी आधा काम कभी नहीं करता सर। अच्छा फ्रेडी ये देखो, इस नंबर से मोनिका को कई बार कॉल्स आए हैं। मैंने पहले से ही पता किया है ये नंबर कहाँ का है। अरे वाह क्या बात है, कहाँ का नंबर है ये? पीसीओ का। पीसीओ का? और मोनिका को कल से इस पीसीओ से कोई कॉल्स भी नहीं आए। और कल से ही मोनिका यहाँ पे आई थी रहने के लिए अपने दोस्तों के साथ। मोनिका कल से यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ है और कल से इस पीसीओ से उसे कोई कॉल भी नहीं आया। इसका मतलब है वो जो कोई भी है इन्हीं में से है। मगर सर इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। सबूत तो उस पीसीओ वाले से पूछताछ करते हैं। सरंखे अगर इस स्प्रिंग पर गन पाउडर की स्मेल आ रही है तो फिर ये स्प्रिंग जरूर गन के करीब होनी चाहिए। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बॉस, लेकिन ये स्प्रिंग मिली है हमें यहाँ जमीन पर जबकि गन चली है ऊपर से। हाँ एक काम करते हैं, इस कमरे को फिर से अच्छी तरह से चेक करते हैं। जब जॉब आ रहा है आईने के पीछे पूरी की पूरी अलमारी। ये कुछ स्टैंड जैसा नहीं है इसमें? हाँ साड़ों के स्टैंड है, गन का स्टैंड, और इसमें गन फिट की होगी। तो फिर से कहीं ये स्प्रिंग इसी स्टैंड की तो नहीं है? बिल्कुल विवेक, ये स्प्रिंग इसी स्टैंड की है। ये देखो मोनिका को ऐसे ही मारा था यहीं से। सर पर गोली चलाने वाला कहां पे था? बाहर था पूर्वी, बाहर, और इस कैमरा के जरिए सब कुछ देख रहा था। खूनी ने गन चलाई कैसे होगी सर? रिमोट से। मगर सर खूनी ने ये मिरर कैसे खोला होगा? उसी रिमोट से विवेक, उसी रिमोट से। ये देखो रिमोट क्यों आया, बस खूनी ने बाहर बैठकर सारा काम तमाम कर दिया। है कौन ये जिसने रिमोट से खून करने की साजिश की है? ये 10754809111 इस नंबर पे यहाँ से दोपहर के बाद हर रोज फोन किया जा रहा है। ये फोन कौन कर रहा है कुछ बता सकते हो? ये नंबर तो सुना हुआ सा लग रहा है, पर इस पे फोन किसने किया ये बताना थोड़ा मुश्किल है। याद करो याद करो, देखो ये खून का मामला है। खून का? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? या जरा याद करके बताओ, इस नंबर पे यहाँ से हर रोज फोन कर रहा है कोई, सिर्फ कल नहीं किया। कल नहीं किया तो कल आया नहीं, कल आया नहीं। हाँ सर याद आया, एक लड़की रोजाना आती थी फोन करने के लिए, मगर कल दिखी नहीं वो। तुम जानते हो उसे? नहीं सर। अच्छा उसका स्केच बनवा सकते हो हमारे लिए? नहीं सर, वो हमेशा मुंह ढक के आती है, और लेकिन मॉडर्न लड़की है सर। मैंने उसके पैर देखे थे ऐसे ही। पैर देखे थे ऐसे ही मतलब? बाय चांस। हाँ तो क्या देखा? उसने पैर पे पंजों से ऊपर एक फूल का टैटू बना रखा था एंकल पे। पता चल गया कि गोली कहां से चली है, बस
अब कुछ ही देर की बात है, पता चल जाएगा कि गोली किसने चलाई है। कहां से चली सर गोली? अगर मैं कहूं कि गोली आईने के पीछे से चली है तो अजीब लगेगा, है ना? लेकिन हुआ ऐसा ही है। कमरे के अंदर दीवार पे जो आईना है, गोली उसके पीछे से चली है। सर, आईने के पीछे से कैसे कोई गोली चला सकता है? जिसने भी ये रिमोट बनाया, बड़ा कमाल का रिमोट बनाया, उस रिमोट से दीवार पर लगा हुआ आईना अपने आप खुलता है और फिर उसके पीछे जो अलमारी है उसमें लगी हुई गन वो भी चलती है। कितने प्लानिंग के साथ मारा मेरी बेटी को। वैसे राकेश जी, आप कब आए थे यहाँ पर? मैं तो कभी कभी यहाँ आता हूँ। हाँ, मोनिका अक्सर यहाँ आया जाया करती थी अपने दोस्तों के साथ, खासकर शनिवार और रविवार को। तो फिर बताओ, पिछले हफ्ते मोनिका के साथ कौन आया था यहाँ पर? सर, हम सब आए थे। तो फिर तुम में से ही कोई एक खूनी है, तुम में से ही कोई एक। आदया, पता चल गया फोन कौन कर रहा था? ठीक है पूर्वी, लड़कियों के पैरों के एंकल्स चेक करो, देखो फूल का टैटू है क्या उसका। कोई टैटू नहीं। एक मिनट, तुम लोगों के साथ एक और लड़की थी ना, प्रिया? सर, वो वॉशरूम गई है। प्रिया वॉशरूम गई है? उर्वी, प्रिया को पकड़ लो जल्दी। प्रिया, दरवाजा खोलो। प्रिया, दरवाजा खोलो। सर, अपने आपको अंदर बंद करके बैठिए, कुछ नहीं बोलिए। बोलेगी भी किस मुंह से, खून जो किया है। देख, दरवाजा तोड़ दो, मदद लो किसी की। रिया, 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 भाग गई खिड़की से। मगर रिया तो मोनिका की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उसने उसका खून क्यों किया? रिया से खून करवाया गया है। सर, मगर किसने करवाया होगा? रिया को पकड़ो, पता चल जाएगा कौन मिला है उसके साथ। क्या बात है, कौन चाहिए आप लोगों को? रिया है। अरे गलत एड्रेस पे आ गए हैं आप, ये घर तो रिया का है ही नहीं। रिया का नहीं है? तो फिर कौन रहता है यहाँ? यहाँ चारू रहती है, वो भी भाड़े से। चारू? ये रिया है? अरे नहीं सर, ये रिया नहीं, ये तो चारू है। नाम बदल के यहाँ रह रही है। और कौन कौन रहता है चारू के साथ? जी नहीं, वो तो अकेले ही रहती है। तो फिर ये सिद्धांत कौन है? वो तो कह रहा था कि वो रिया का डैडी है। ये डैडी भी नकली है दया। अच्छा, आज आपने चारू को देखा? हाँ हाँ, अभी अभी तो वो यहाँ से गई है। जिस ऑटो से मैं आई थी वही ऑटो वो लेकर गई है। आपने पूछा नहीं कहाँ जा रही? हाँ पूछा तो था, मगर उसने कुछ बताया नहीं, कुछ परेशान सी लग रही थी वो। ऑटो का नंबर याद है आपको? जी नहीं। आपने ऑटो कहाँ से लिया था? मरोल फायर ब्रिगेड के पास जो ऑटो स्टैंड है वहीं से। अरे सुनो, यहाँ पे यही एक ऑटो स्टैंड है? हाँ साहब, स्टैंड तो यही है, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑटो मिलेंगे। बताइए साहब, कहाँ चलना है आपको? चलना कहीं नहीं है, हमें कुछ पूछना है। कोई एड्रेस वगैरह है क्या आपके पास? नहीं नहीं, एड्रेस वगैरह नहीं। ये बताओ, आधा घंटा पहले आप लोगों में से कोई पीली साड़ी पहने हुई औरत को जोगेश्वरी में बंगलो नंबर 3 के आसपास लेके गया, कौन गया? अरे साहब, आधे घंटे पहले ना सोहन लेकर गया था, बोल रहा था मैं जोगेश्वरी का भाड़ा लेकर जा रहा हूँ।
पक्का मालूम है? अरे हाँ सब पक्का मालूम है, वो जोगेश्वरी गया है। इस सोहन का मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? नहीं साहब, मोबाइल नंबर तो नहीं है मेरे पास। ऑटो नंबर याद है? MH03AA8054। हेलो कंट्रोल रूम। साहब जाने दो साहब, 250 रुपए कमा लूंगा साहब। टाइम कल कोटी मत रहो साहब, घर का खर्चा पानी निकल जाएगा साहब। तेरा खर्चा तो CID वालों के हाथ में है, तो यही रुक, वो बसाते ही होंगे। CID वाले? हाँ। सर सर ये रहा जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने वायरलेस पे दी थी। सोहन जी सर। ठीक है आप जाइए। सर साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं होगा, तो सब मालूम है, तुमने कुछ नहीं किया, डरो मत समझे। हमें तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। पहले ये बताओ कि जोगेश्वरी में बंगलो नंबर 3 से किसी सवारी को उठाया था तुमने? जोगेश्वरी? हाँ हाँ साहब, लेके गया था साहब। कब कब ले गया साहब? अभी 1.5 घंटे पहले साहब। कहाँ लेके गए थे साहब? फिल्म सिटी। फिल्म सिटी में कहाँ पे लेके गए? फिल्म सिटी के ऑफिस के बाएं तरफ रास्ता गया हुआ है, उस रास्ते के आखिरी में छोड़ के आया साहब। सर वो रास्ता तो बहुत सुनसान रहता है, वहाँ पर शूटिंग वगैरह भी बहुत कम होती है। ये तुम्हें कैसे मालूम? सर सर वो मैंने फिल्म सिटी के चक्कर बहुत काटे। ओ ठीक है, ये बताओ कि वहाँ पे कोई और भी था? साहब वहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन कोई ऐसा लग रहा था कोई फंटर आने वाला है साहब। तुम्हें कैसे मालूम कि कोई आने वाला था? साहब अपनों की नजर भी कुत्ते के माप गए साहब, ऑटो वाले ताड़ लेते साहब, पैसे देने की बारी आई तो इधर उधर देख रही थी साहब। अपुन ने भी 2-3 बार ऑटो रोका था साहब। क्यों ऑटो क्यों रोका? साहब मैं ऑटो चला रहा था तो पीछे चिल्ला रही जल्दी चलो जल्दी चलो, मुझे बड़ी तेज गुस्सा आई, मैंने कहा मैम साहब आप चला लो। दे रख। चलो दे। देखते हैं फिल्म सिटी रोड में कौन आने वाला है। आज बीबी से बोलूंगा कि पुलिस वालों से भी 100 रुपए निकलवाए हैं। ऑटो वाले ने जगह तो यही बताई थी, मगर ये आसपास कोई दिख नहीं रहा है। और ऑटो वाले ने बोला उसको यहीं पे छोड़ा, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? उसी के साथ निकल गई होगी जिसे मिलने आई थी। सर लेकिन वो यहाँ कैसे मिलने आई थी? उन्हीं ने बुलाया होगा और कौन? कल मैं इधर भाग के देखता हूँ। देखो पुलिस चलने का जिस तरफ से आई है। जिंदगी की भीख मांगने से अच्छा है ऊपर वाले से अपनी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांग। मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मदद के लिए धन्यवाद, मगर अगर मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। तुझे मरना ही होगा। ए, रुक। अबे रुक। अबे रुक। मैं तो गोली मार दूंगा। अबे मच्छर। दया। दया तो गया। दया गया तो तू भी गया। नहीं अभी मैं ठीक हूँ, गोली बाजू को छूकर निकली, मुझे लगा नहीं था ये गोली चलाएगा। तू बच गया? हाँ, और ये रहा सबूत। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ सर, मैंने ही मोनिका को मार दिया। मोनिका को तो इसने मारा था, तुम कहाँ से बीच में आ गए? सर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मैंने उस बॉल में
वो धमकी की चिट रखी थी, लेकिन सर वो इसने लिखी थी, मैंने नहीं लिखी थी। तो धमकी वाली चिट बॉल में रखी क्यों? सर, सर मैं तो एक मामूली सी एक्ट्रेस हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं था, और इसने मुझे पैसों का लालच दिया और मुझसे कहा कि जाओ जाकर मोनिका से दोस्ती कर लो। मतलब तुम तो मोनिका की सारी बातें सिद्धांत को आके बता दी। हाँ सर, मैं ही मोनिका को फोन करके धमकी दिया करती थी, और फार्म हाउस के कमरे में मिरर लगा हुआ है, ये भी मैंने ही ने बताया था। तो मिरर के अंदर वो गन और कैमरा तुमने लगाया था? हाँ। बाहर बैठे बैठे ही पता चल जाता था तुम लोगों को कि मोनिका कमरे के अंदर क्या कर रही है। जैसे ही वो गन के सामने आई, गोली चला दी। हाँ। मगर तुमने मोनिका को उस कमरे में कैसे भेजा? जब हम लोग मीता के कमरे से बाहर आए थे तो अरे मेरा मोबाइल कहाँ? शायद तुम्हारा मोबाइल रूम में रह गया था। रूम में? क्या दिमाग लगाया? जैसे ही मोनिका कमरे में घुसी तुमने दरवाजा बाहर से बंद किया, वो दरवाजा जो बाहर से कोई खोल ही नहीं सकता। सिद्धांत, मोनिका से किस बात की दुश्मनी थी तुम्हारी? क्यों पीछे पड़े हुए थे उसके तुम? मैं उसके बाप राकेश से बदला लेना चाहता था। कैसा बदला? क्योंकि राकेश की वजह से ही मेरे बेटे राघव की जान गई थी, मेरा बेटा तड़प तड़प के मर गया था। मगर राकेश की वजह से तुम्हारा बेटा कैसे मारा गया? मेरा बेटा एक बिजनेसमैन था, उसे बिजनेस में नुकसान हो रहा था और राकेश ने उसकी कंपनी उससे छीन ली। ये दुख मेरे बेटे से बर्दाश्त नहीं हो सका और उसने आत्महत्या कर ली। बाप की सजा बेटी को। तुमने जो कुछ किया है कोई बहादुरी का काम नहीं किया है। अपने बदले की आग में तुमने एक निर्दोष लड़की की जान ली है। कानून तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। फांसी होगी तुम लोगों को, फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.